नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, आज का दिन है जो वो है अभी सुबह का समय है और जस्ट अभी मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ और आज है वेनसडे की मॉर्निंग है आज। और मैं बता दूँ पहले आप सभी को कि जो टॉपिक है कि बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि ड्यूटी की दुबई में टाइमिंग क्या है। तो यार एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो दुबई की ड्यूटी की टाइमिंग है कोई फिक्स नहीं है कि आपको कंपनी में क्या काम आ जाएगा, कंपनी का क्या वर्क आ जाएगा, साइट पे क्या वर्क आ जाएगा कि आपको जाना पड़ सकता है। अभी जस्ट मैं आ ही रहा हूँ और आगे मैं आप सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देते हैं। और यहाँ अभी 4 बज रहा है, यहाँ पर 3 बजे हम लोगों का छुट्टी हुआ। हम लोग आते आते 1 घंटा लग जाता है क्योंकि साइट थोड़ा दूर है। तो यही चीज़ मैं कंफर्म बताना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि लोग सोचते होंगे कि नहीं यार इंडिया की तरह मतलब हमारा ड्यूटी टाइमिंग ये चेंज है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आने के बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप छुट्टी वगैरह मारते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, करीब 2 से 3 गुना आपका छुट्टी का जो पैसा है वो कटता है। और अभी भाई सुबह का समय है, थोड़ा ठंडी हवा चल रही है तो सोचा कि भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं। वैसे सारी चीज़ें सही है, मतलब आपको सेल्फ़ जो है ना, सेल्फ मोटिवेट होना है अपने आप से कि हाँ यार अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। और नहीं मुश्किल आनी चाहिए क्योंकि आप लोग इतना दूर आते हैं काम करने के लिए, फिर परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ों का समाधान है। क्योंकि आप जब काम करते हैं ना तो अगर आपके साथ में सीनियर की बॉन्डिंग अच्छी है तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सही है। और बाकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा जॉब से रिलेटेड, कैसा दुबई का लाइफ स्टाइल है, लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, सबसे बड़ी बात वो है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी थोड़ा मैं हर बार सोचता हूँ कि यार डेली वीडियो मिले लेकिन नहीं मिल पाता है, लेकिन अब डेली वीडियो मिलेगा क्योंकि आज से मैंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ टारगेट है मेरा है कि नहीं यार कुछ लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बाकी है वो मैं देता रहूँगा। और अच्छी बात ये है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और बहुत मेहनत करना पड़ता है इधर इसलिए, और मेहनत की कोई बात नहीं है। देखो यार मेहनत क्या है कि इंडिया में भी करते हैं, अपने देश में भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है ना कि मेहनत का फल नहीं मिलता उसको, वही चीज़ हम लोगों के साथ में। क्योंकि हम लोग सही हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, आजकल मेहनत का फल उन लोगों को मिलता है जो मतलब गलत तरीके से यूज़ करते हैं आदमियों को, वो चीज़ है। लेकिन हमें अपना जो भी है अपना सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है, खुद से मोटिवेट होना है, खुद की मेहनत से मोटिवेट होना है और मेहनत से ही आगे बढ़ना है। तो दुबई की लाइफ स्टाइल बहुत कठिन है, अगर कोई भी आने के लिए सोच रहा है तो पहले अपने आप को मजबूत कर ले। तो भाई ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, उठने के बाद में अब मैं जाऊँगा सोऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई सुबह का समय है, अभी मैं जस्ट कंपनी से आया हूँ, आँखें आप देख रहे होंगे लाल हुई होगी, लेकिन सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ आप सभी के लिए। और आज से मतलब एक दो वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को डेली। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं उसके बाद में आपको। और जाने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो रियल इन्फॉर्मेशन होगी, कोई फेक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब क्लियर मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में और कुछ नई बातों के साथ में। तो ब्लॉग को करते हैं समाप्त, तब तक के लिए नमस्कार।